अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, थ्रू द लेगो मैजिस्टर यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म माई सेल्फ मोहम्मद अलैस इस्लम। स्टूडेंट्स, हमारी प्रीवियस वीडियोज़ के थ्रू हमने हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स का जो पोर्शन था लॉ एडमिशन टेस्ट का, उसको हमने कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू राइट एन एसे इन लॉ एडमिशन टेस्ट, के जो लॉ एडमिशन टेस्ट में जो एसे आता है, हमने उसको किस तरह से अपना लिखना है या किस तरह से हमने उसको प्रिपेयर करना है ताकि हम उधर जाके अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये कुछ स्टेप्स हैं। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि जो लॉ एडमिशन टेस्ट में जो ये एसे है वो 15 मार्क्स का पूछा जाता है, और इसमें चॉइस होती है कि हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, चाहे उर्दू में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें। ये स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि उसको जिस तरह से आसान लगता है वो उस तरह से लिख सकता है। इसमें मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगा कि बाज़ अवकात होता है कि स्टूडेंट्स ये करते हैं कि अगर पर्सनल स्टेटमेंट है और ऐसे है, दो चीज़ें होती हैं ना, तो वो इस तरह से करते हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट को उर्दू में लिख दिया और ऐसे को इंग्लिश में लिख देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि अगर लिखना है तो आपने दोनों चीज़ों को ही इंग्लिश में लिखें या फिर दोनों को उर्दू में लिखें। दोनों को चेंज नहीं करना कि एक उर्दू में लिख दें और एक स्टूडेंट्स। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करते हुए हमने अपना एक ऐसे लिखना है लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो भी ऊपर गाइडलाइंस दी गई हैं, नोट दिया होता है एक, जब भी जो भी टॉपिक पूछा जाता है एसे का या फिर पर्सनल स्टेटमेंट का, ये दोनों क्वेश्चंस एंड पे इकट्ठे होते हैं, उसके ऊपर एक जनरल गाइडलाइंस दी जाती हैं कि उसमें ये भी बताया होता है कि आया आप इसको उर्दू में लिखें चाहे उर्दू या इंग्लिश में लिखें, आया आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, यानी कि च्वाइस होती है। तो उसके बाद हम सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, कि हमने सबसे पहले जो भी टॉपिक वो पूछता है उसको हमने एक अंडरस्टैंड करना है कि ये किस डोमेन में हमसे वो पूछा जा रहा है। तो जब हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो नेक्स्ट हमारे जो स्टेप आ जाएगा वो प्रिपरेशन ऑफ अ रफ आउटलाइन। जब हम एक अपने टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद हमने एक अपने माइंड में एक जनरल आउटलाइन बनानी है रफ सी, जिसके मुताबिक कुछ यानी कि स्टेप्स बना लेने हैं कि मैं पहले, ठीक है, मैं पहले एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दूंगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा डिफाइन करूंगा उसको, फिर उसके बाद मैं कुछ सजेशंस दूंगा या कोई मेन बॉडी पार्ट लिखूंगा, उसके बाद फिर मैं एंड पे अपना कंक्लूजन दूंगा, यानी कि ये एक रफ आउटलाइन बना लेनी है। जो भी आप अपने टॉपिक से रिलेटेड बना सकते हैं उस टाइम माइंड में अपना एक स्केच सा बना लेना है, उसी के मुताबिक आपने अपना फिर जो पूरा है वो ऐसे कंप्लीट करके लिखना है। उसके बाद यानी कि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ की बात करें तो जो भी वो टॉपिक देगा उसमें सबसे पहले आपने एक जनरल इंट्रोडक्शन देना है कि वो टॉपिक जो भी हो उसको आपने जनरली कोई एक तीन चार लाइंस में डिफाइन करना है या उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड दे के अपनी बात का आगाज़ करना है। उसके बाद यानी कि कोहेरेंस, जो भी आप लिखें, चाहे आप जो दो से तीन चार पैराग्राफ आप जो बना लेंगे एक ऐसे लिखते हुए, तो आपने उनमें एक रबत रखना है। ये नहीं करना कि नीचे वाली जो बात जो बात नीचे आ रही हो उसको आपने ऊपर लिख दिया है, जो ऊपर आनी चाहिए वो बात वो आपने नीचे लिख दी है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि अगर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, हम उसको एंड पे ले या दरमियान में ले जाएं, हम दरमियान में उसको इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसका लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम एक आगाज़, बेहतरीन आगाज़ वही होगा कि अगर हम उसको सबसे पहले इंट्रोडक्शन दें उस पैराग्राफ का या उस टॉपिक का जो भी है, तो ठीक है, उसको सबसे पहले हमने एक इंट्रो देना है उस टॉपिक का, उसके बाद से हमने अपने बाकी जो सीक्वेंस है उसको ले कर चलना है। कोहेरेंस का यही है कि हमें एक रब्त रखना है, एक मुताबकत रखनी है अपने पैराग्राफ्स के दरमियान, या जो भी हम वर्ड्स यूज़ करेंगे या कोई भी हम पैराग्राफ्स यूज़ करते हैं, जो भी हम बातें लिख रहे हैं वो एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। ये नहीं है कि ऊपर वाली बात नीचे, नीचे वाली बात ऊपर, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज एंड स्टाइल है कि आप चाहे उर्दू में लिख रहे हैं चाहे इंग्लिश में लिख रहे हैं, लेकिन आपने एक जामिया और ख़ूबसूरत अंदाज में अपना ऐसे लिखना है, प्रॉपर उसकी मार्जिन लाइंस के अंदर रहते हुए आपने उसको राइट डाउन करना है, और उसमें किसी किस्म की भी कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और किसी तरह से भी कोई भी फॉल्ट या कोई भी मिस्टेक ना हो उसमें। उसके बाद पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ्स आप इसमें बनाना चाहें दो से तीन पैराग्राफ्स आप बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इतना उसके अलावा इतना टाइम भी नहीं होता कि आपने प्रॉपर मैनेज भी करना होता है अपने दोनों पर्सनल स्टेटमेंट को भी और एसे को भी लिखना होता है, क्योंकि टाइम को शॉर्टेज की वजह से आपने जनरली दो से तीन पैराग्राफ या तीन पैराग्राफ मैक्सिमम बना के आपने अपने एसे को वाइंड अप करना है।
उसके बाद इनके पैराग्राफ के अलावा अगर हम बात करें तो आप उसमें कोटेशन भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी अगर उर्दू में बात लिखें तो कोई भी हम कवाले ज़ेरी लिख सकते हैं या कोई भी कोई ऐसा कोल किसी भी अजीम शख्सियत का वो कोट कर सकते हैं इसमें, या इंग्लिश में लिखते हुए भी आप कोई भी कोटेशन ऐड कर सकते हैं जो आपके उस टॉपिक से रेलिवेंट हो और उससे बिल्कुल ही मैच करती हो। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन, किसी भी ऐसे का जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो उसका कंक्लूजन होता है कि आपने किस तरीके से उसका इख्तिताम किया है, और आप उसमें चाहे अपनी सजेशंस दे रहे हैं कोई भी टॉपिक आपका ऐसा है या किसी भी तरीके से आपने उसको एक वाइंड अप करना है, एंड पे आके ना इख्तिताम की तरफ जाना है, तो जो एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन होना चाहिए आपके ऐसे के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है और एग्जामिनर भी इसको 100% चेक करता है, और जिसने अच्छा लिखा होता है उसकी बुनियाद पर वो अच्छे मार्क्स भी देता है स्टूडेंट्स को। उसके बाद हमारे पास प्रेजेंटेशन है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आपने अच्छे तरीके से अपने ऐसे को प्रेजेंट करना है, ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग सी लगे, उसे कोई भी मिसमैनेजमेंट लगे कि हाँ ऊपर नीचे चीज़ें की हुई हैं, या किसी भी तरह से कोई भी इस तरह से ना मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, आपने एक अच्छे अंदाज में अपना पूरा ऐसे लिखना है। तो उम्मीद है आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपना एक अच्छा ऐसे लिखने में कामयाब हो जाएंगे, और इन स्टेप्स को अगर फॉलो करते हुए आप अपना एक अच्छा ऐसे लिख सकेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपनी पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।